Assalamualaikum, नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल अलवी सिस्टर्स। सो गाइज, आज बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग बनने वाला है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको चिकन के सूट बहुत पसंद आते हैं। खाने वाला चिकन नहीं, पहनने वाला चिकन, क्योंकि लखनऊ इज़ फेमस फॉर कबाब एंड चिकन। सो गाइज़, ये चिकनकारी की बात हो रही है, तो आज हमें एक चिकनकारी लहंगा लेना था, वी हैव टू गिफ्ट टू समबडी। सो हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं चौक। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं चौक और ये रहीम कुलचे नहारी है और उसके बगल में ही मुबीन है। तो अभी तो हम लोग काम से जा रहे हैं, बट लौट के डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कम हेयर टू ईट कुलचे नहारी। एंड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब इस एरिया थोड़ा कंजस्टेड तो है, बट यहाँ आके मज़ा बहुत आता है यहाँ के लोगों को देख के। एंड यहाँ का माहौल ही अलग होता है, तो अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी रौनक होती है, ख़ासकर रमज़ान वगैरह में तो बहुत ज़्यादा। सो गाइज़, आप लोग सोच रहे होंगे मैं कौन सी शॉप जा रही हूँ, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मुझे भी ये शॉप नहीं पता थी। एक्चुअल में मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने एक जानने वाली हैं, उन्होंने मुझे भेजी थी पीआर पे एक चिकन फ्रॉक, तो मैंने ही उन्हें वो लहंगा का पिक भेजा। मैंने कहा आपके पास है, तो उन्होंने बोला मेरे पास तो नहीं है, बट हाँ मैं आपको एक ऐसी शॉप बता देती हूँ जहाँ पर बहुत ही अच्छे प्राइस पर बहुत ही वैरायटी के लहंगे आपको मिल जाएंगे। तो हम उन्हीं के वजह से हम यहाँ पर आए हैं, उन्हीं के बताए हुए शॉप पे जा रहे हैं। मैंने कॉल कर दिया है भैया को कि मैं आ रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला है कि वहाँ पर ये बड़ी वाली मस्जिद है, मतलब बहुत ही प्यारी मस्जिद है चौक में, तो इसी के पास एक वो है, क्या कहते हैं, दरगाह है, हज़रत अब्बास की वहाँ पर दरगाह है, वहीं पर हम लोग को जाना है। तो हम लोग बहुत पूछ रहे थे, बहुत अंदर चले गए, इतना ज़्यादा कंजेस्टेड था कि वहाँ पर मतलब दो गाड़ियाँ एक साथ नहीं निकल सकती थी, तो इस चक्कर में हम लोग को बहुत टाइम लग गया वहाँ तक पहुँचने में। सो ज़्यादा चौड़ी रोड नहीं है वहाँ की, बहुत पतली पतली रोड है, प्लस गाड़ियाँ भी निकल रही थी, तो बहुत ज़्यादा कंजस्ट। सो गाइज़, हम आ गए हैं शॉप पे और ये रहा ब्यूटीफुल सा लहंगा जो मैंने पिक में ही पसंद कर लिया था जब इन्होंने हमें भेजा था, तो हमें वहीं पर ही पसंद आ गया था ये, तो मैंने इसको फ़ाइनल कर दिया था। बट मैं यहाँ पर और वैरायटीज़ देखने आई थी कि शायद और भी इससे अच्छा अगर कुछ मिल जाता है तो मैं वो ले लूँगी। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ और इनसे बोला मैंने कि यहाँ भैया यहाँ लाइट में दिखाइए ताकि मुझे पता चले कि कैसा वर्क है और कैसा सब कुछ है। सो या, और अभी मैं आपको एक एक करके हर चीज़ दिखाऊँगी और आप भी बताइएगा कि क्या आपको पसंद आया या नहीं आया। सो गाइज़, ये रहा जो वो लहंगा जो मैंने पसंद किया था, ये इसका दुपट्टा है और ये सेकंड लहंगा है जिसमें कि इस तरह से इसका फाइन वर्क है, इसमें मुकेश का काम है जिसे कुछ लोग फर्दी भी बोलते हैं। सो ये था सेकंड लहंगा और वो वाला फर्स्ट लहंगा था, इसके साथ भी फुल दुपट्टा प्लस विद कुर्ती और सब कुछ साथ में है, और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल था, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था। इनका काम है होल सेल पे, तो ये काफ़ी कम रेट पे ये देते हैं, और इनका अगर यही लहंगा अगर आप जनपद या हज़रतगंज में लेने जाएंगे तो यही लहंगा आपको कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का मिलेगा। सो ये था हमारा फर्स्ट लहंगा और इसके साथ जो ये कुर्ती भी अटैच्ड है, आस्तीनें भी हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, गाउन, अनारकली और सब कुछ। सो गाइज़, ये हम उन्होंने मुझे सेकेंड लहंगा दिखाने जा रहे हैं जो कि है 18 कली पे। जो पहला वाला लहंगा था वो था 12 कली पे और ये है 18 कली पे, और ये लहंगा मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि इसकी बात ही अलग
थी, और ये पास से भी बहुत प्यारा था, और ये इसमें जो घेर था वो बहुत ज़्यादा था, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने शाहनवाज़ को इशारा कर दिया था कि देखो मुझे ये लेना है। एंड थर्ड वन इज़ दिस अनारकली, जिसमें पर्ल का काम है प्लस चिकनकारी भी है, ऑल ओवर पूरा कढ़ाई है और बहुत फाइन वर्क है। तो ये अनारकली आपको यहाँ पर मिल जाएगी 9,000-10,000 के बीच में। ये सेकेंड अनारकली है और ये भी आपको इसी रेंज में मिल जाएगी। तो गाइज़ अगर आपको पसंद आता है कोई भी सूट तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट हिम। एंड या दिस वन इज़ दी थर्ड अनारकली, जिसमें कि मिरर वर्क है प्लस पर्ल है प्लस चिकनकारी है, तो इसमें तीनों चीज़ें हैं। ये भी 10,000-11,000 में आपको मिल जाएगी। और जो हमने लहंगे पसंद किए थे उसमें ये पर्ल का काम नहीं था, लहंगे में मुकेश का काम है, चिकनकारी काम है, बट पर्ल का काम नहीं। पर्ल का काम आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अनारकली में मिल जाएगा। एंड ये रहा, उन्होंने मुझे लहंगा दिखाया है ये वाला, सो मुझे ये लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और इसके अंदर इस तरह से ऑलमोस्ट आपको ये कलर्ड नहीं है, ये वाइट में है, तो ऑलमोस्ट आपको सारे पिक्चर्स या वीडियोज़ में एक ही जैसे लग रहे होंगे, बट जब सामने से आप देखेंगे तो इसका अलग ही व्यू था, अलग ही खूबसूरती थी, और चिकन की बात ही अलग होती है। ये हमारा गोटा पत्ती पे लहंगा था, जो कि थोड़ा सा मतलब रेंज इसकी हाई थी, मतलब ये आपको पड़ जाता 20-21,000 का। सो ये थोड़ा सा महंगा था, और बाकी जो हमने पहले आपको लहंगे दिखाए थे वो 17,000, 18,000, 19,000 इस तरह से आपको यहाँ पर लहंगे मिल जाएंगे। मगर ये जो ये वाला लहंगा है, जो 18 कली वाला लहंगा, ये मुझे बहुत पसंद आ गया। मैंने दोबारा खुलवाया इनको दिखाने के लिए, शाहनवाज़ से भी कहा शाहनवाज़ पकड़िए इसको एक तरफ से, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं इसको ज़रूर लेने वाली हूँ, आप देखेंगे मुझे। अभी मेरे पास मुश्किल से एक है जो मैंने शादी से पहले लिया था। एक्चुअल मुझे आइडिया इस बात से हुआ कि एक बार जब मैंने सूट लिया था सेवा चिकन से, वहाँ पर मुझे 12,000 रुपये का एक सूट पड़ा था, तो उसी हिसाब से मैंने एक आइडिया लगाया कि अगर 12,000 का सूट मिल रहा है तो ये लहंगा मुझे अगर 17,000-18,000 में मिल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसीलिए मैंने ये आइडिया लगाया। और मैं आप लोग से भी शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोग भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इन्हें कॉन्टैक्ट। नियर चौपटियों ठीक है। तो यहाँ पर आपको, आपके पास क्या क्या मिल जाएगा लोगों को? सब ऑल वैरायटीज़, लेडीज़ की हर ऑल वैरायटीज़ मिलेंगी, प्लाजो सेट, सारीज, लहंगे, सूट्स, गाउन, ऑल वैरायटी। मतलब मार्केट प्राइस से काफ़ी अंतर हो गया, बहुत डिफरेंस है। ओके थैंक यू। ओके चलिए, थैंक यू भैया, कलर हो जाएगा फिर कल, है ना? ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बाबा जानू, इधर आओ, तुम भी बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। पापा खुलो पीछे, फिर आती है कुलचे नहारी की बारी। तो हम लोग पहुंच गए हैं मुबीन, और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछे नहीं। मतलब नीचे भी भीड़ थी, फिर बीच में भी भीड़ थी, और इनका थर्ड फ्लोर भी है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर फाइनली हम लोग को एक टेबल मिली जो कि काफ़ी गंदी थी, बट फिर हम लोग ने कहा नहीं नहीं, अब शाहनवाज़ बोलने लगे यहाँ तुमको साफ़ टेबल कोई नहीं मिलेगी, यहाँ तुमको ऐसी ही टेबल मिलेगी, अभी वो आके साफ़ कर देंगे। मुझे थोड़ा OCD है, मुझे प्रॉब्लम होती है, बट शाहनवाज़ ने कहा कि रुक जाओ अभी सब हो जाएगा। भैया दो नहारी, कोई और आएगा ऑर्डर लेने?
बज रहा है 9:17 और यहाँ पे भीड़ देखिए, भीड़ देखिए। मैं इसने पूजा का टाइम देखिए, भीड़ देखिए। हम लोग को बैठे बैठे 15 हो गए थे, मगर अभी तक हमारा कोई भी ऑर्डर लेने नहीं आया था और हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सो फाइनली आ गया है 15-20 के बाद हमारा ऑर्डर, और यहाँ की कुलचनारी अभी तक आपने नहीं खाई है तो खाइएगा ज़रूर। वैसे लखनऊ के लोग यहाँ चूके तो होंगे नहीं, मगर अगर आप बाहर कहीं रहते हैं तो मुबीन की कुलचनारी ज़रूर खाइएगा आके, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होती है। तो बस हम लोग लौट ही रहे थे और हमें कुछ लोग ऐसे दिखे रास्ते में जो एकदम कुछ ओढ़े ही नहीं थे और इतनी ज़्यादा उनको ठंडक लग रही थी। मैंने शाहनवाज से बोला, मैंने कहा शाहनवाज मेरा दिल करता है कि ये लोग सो रहे हैं और ऊपर से इनको एक कंबल उड़ा दिया जाए, इनको ऐसी चैन की नींद आएगी कि मैं क्या बताऊँ। तो शाहनवाज ने जैसे ही सुना वहीं पर कंबल वाली शॉप पर इन्होंने रोक दिया, एंड यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कंबल लिए उन लोगों के लिए जो वहाँ पर सर्दियों में ऐसे लेबर जो फुटपाथ पे लेटते हैं ना। हम लोग मतलब घर में रहते हैं तो इतनी ठंडक लगती है, सब उनको सोचिए जिनके पास कुछ भी नहीं है ओढ़ने के लिए। और फिर हम लोग ने उन लोग के लिए ही यहाँ पर कुछ कंबल लिए, और वाकई मतलब ये फीलिंग बहुत अलग होती है, और मतलब मैं इसको बयान भी नहीं कर सकती हूँ कि ये फीलिंग क्या होती है ऐसा।